तो यार जब मैं छोटा था ना तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए पता चला इतनी पढ़ाई चाहिए, आई ड्रॉप द आइडिया। बट आज भी मुझे स्टार, स्पेस, यूनिवर्स ये सारी चीजें बहुत फैसिनेट करती हैं। और जब हमें पता चलता है कि वी कैन सी द मिल्की वे इन स्पीति रीजन ऑफ इंडिया, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना अपना वाई इंडिया सीरीज का सेकंड रीजन ढूंढने हम स्पीति ही चलें। और स्पीति के जिन रीजन्स में स्टार गेजिंग करने हम जाना चाहते हैं वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ खास नहीं है, तो इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि अपनी वाई इंडिया सीरीज की सेकंड स्टोरी ढूंढने और मिल्की वे देखने के लिए एक बाइक ट्रिप किया जाए। चलो जल्दी जल्दी बोल दो, ध्यान से जाना वानू, ध्यान से जाना। लाइक सब्सक्राइब इट हियर। सो लेट्स गो एंड वेलकम टू एपिसोड 2। वैसे अभी तक हमने इंडिया में सिर्फ बैकपैकिंग ट्रिप्स ही किए हैं एंड दिस इज आवर फर्स्ट टाइम डूइंग अ बाइक ट्रिप, जिसका हमारी बॉडी को एक ही घंटे में पता लग जाता है। 10 साल बाद इंडिया की सड़कों पे बाइक राइड करना खुद में ही एक चैलेंज है, लेकिन हमारे लिए इससे भी बड़ा चैलेंज है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में स्पीति पहुंचना। ऐसा क्यों? अभी बताता हूँ। जब हम अपनी जर्नी से पहले मिल्की वे देखने के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि द बेस्ट टाइम फॉर स्टार गेजिंग इज व्हेन देयर इज नो मून, एंड द गुड न्यूज इज कि अभी नो मून फेज ही चल रहा है। दैट मींस वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम बिकॉज न्यू मून इज ऑन June 5th एंड आज है May 31st। इसलिए हमारा टारगेट है कि जितना जल्दी हो सके हम स्पीति पहुँचाएं। तो फाइनली ऑलमोस्ट 300 से भी ऊपर वैसे हम राइड करके यहाँ बस हो चुकी है 300 क्या हाँ 300 किलोमीटर से भी ज्यादा राइड करके हम पहुंच चुके हैं भुंतर में, कुल्लू के पास है ये जगह। एंड राइडिंग इतनी टायरिंग होती है फिजिकली, ये मुझे पहली बार पता चला है। आई मीन लॉन्ग राइड तो मैं पहली बार किया, सो पहली बार ही पता चला है आपके हाथ और बैक एंड पिछवाड़ा गर्दन ऑल्सो, क्योंकि हेलमेट या पूरी बॉडी की बैंड बन जाती है अगर आप इतनी लंबी राइड करते हो। सो या अब हम अच्छे खासे थक चुके हैं, सो वी आर गोना फ्रेशन अप, खाना पीना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और मिलते हैं आपको कल सुबह। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर डे। यार हमें तो पता ही नहीं था हम इतनी सुंदर जगह रह रहे हैं। जब रात को हम भुंतर पहुंचे तो अंधेरा था ऑफ कोर्स, लेकिन जब सुबह उठ के हमने देखा यहाँ तो सामने पहाड़ है, इतना सही व्यू है। I like this place. Yeah, it's beautiful. और अच्छा किया हम यहाँ रुक गए, और आज हमारा प्लान है यहाँ बंतर से स्पीति की ओर जाने का। हमने कुछ लोगों से पता किया एंड वी केम टू नो कि हमारे पास अच्छा टाइम है अभी मिल्की वे गैलेक्सी देखने का अकॉर्डिंग टू द न्यू मून फेजेस, और इट्स सजेस्टेड कि हम चंद्रताल या पिन वैली जाके देखें। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या बनता है। आज हम पूरी कोशिश करेंगे स्पीति पहुंचने की सो दैट वी हैव इनफ टाइम, और बाकी रोड कंडीशंस और वेदर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम पहुंच पाते हैं कि नहीं, बट दैट्स व्हाट वी आर गोना ट्राई। पर उससे पहले यार जो सबसे बड़ा टास्क मुझे लगता है बाइक पे ये सारा कुछ डालना, बैग वगैरह रखने, उसको टाई करना प्रॉपर, पर दैट पार्ट आई एम नॉट लाइकिंग, अदरवाइज आई एम एंजॉयिंग बाइक राइड। और चलो अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, निकलते हैं हम स्पीति के लिए, लेट्स गो। जैसे ही हम अपना सफर शुरू करते हैं हमें मिलता है हिमाचल का ये ट्रैफिक जैम। असली ट्रैफिक तो ये है जिसे पार करके हम पहुंच जाते हैं इन सुंदर सी वादियों में। हाँ जाना हमें मिल्की वे गैलेक्सी देखने हैं, लेकिन ये अर्थ भी बहुत सुंदर है, इसलिए हम बीच बीच में व्यूज के लिए रुक जाते हैं। लुक एट दिस व्यू, ये है सोलांग वैली। सच बताऊं व्यूज एंजॉय करने के बहाने मुझे जहां भी मौका मिलता है वहां मैं थोड़ी देर के लिए बाइक रोक लेता हूं, क्योंकि यार बाइक चलाते चलाते ना एक चीज बहुत दुखती है, बताऊंगा नहीं क्या पर आप खुद समझ जाओ। और इसलिए हम एक जगह रुके हैं, और जगह का मुझे वैसे नाम तो नहीं पता लेकिन व्यूज इतने सुंदर है। लेट मी शो यू इन 3, 2, 1। ओ
ऑल राइट, सो हम हैं अटल टनल के उस पार। जगह लाइक आई सेड बिफोर, हमें नहीं पता कहाँ पे रुके हैं, बट अटल टनल निकल के आगे आ चुके हैं हम। हाँ। काफी आगे आ चुके हैं उससे। मुझे बड़ा वो हो रहा था यार, क्योंकि जब अटल टनल बनी थी, ओपन हुई थी ना, वी वर इन कैनेडा एट दैट टाइम, तो मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स की अटल टनल की वीडियो देखी थी, एंड इट्स लाइक इट फील सो सरियल कि आज हम यहाँ पे हैं। लाइक हाँ, आई थिंक 2-2.5 साल हो गए हैं, वट एवर, हाँ लॉकडाउन के बाद ओपन हुई थी, तो मतलब वही 2-2.5 साल बाद वी आर हेयर लिविंग दैट मोमेंट जो हम यूट्यूब पे अपने लैपटॉप स्क्रीन्स पे देखते थे। हाउ आर यू फीलिंग अबाउट राइडिंग थ्रू दीज रोड्स इन इंडिया? राइडिंग यार बहुत खतरनाक है इंडिया में राइड करना। यहाँ पे आके अब, क्योंकि मनाली के बाद जो ट्रैफिक है वो कम हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। और चलो अब आगे आगे ट्रैफिक तो कम है, वी विल बी एबल टू एंजॉय व्यूज वाइल्ड राइडिंग टू। तो चलो चले या चलते हैं, यहाँ पे बहुत गर्मी है। सीरियसली अटल टनल के बाद अब तो इन रोड्स पे मस्त इंजॉय हो रहा है, ना कोई टीटी पैपे, ना कोई ट्रैफिक, और व्यूज तो देखो क्या मजेदार हैं। अब तो हम शाम तक स्पीति पहुंच ही जाएंगे। बट आई थिंक वी सेलिब्रेटेड वे टू अर्ली। जैसे ही हम मनाली से कोकसर पहुंचते हैं, तो यहाँ पुलिस वाले हमें कहते हैं कि भाई आज तो तुम यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। नहीं जा पाओगे मतलब? यार बड़ी दिक्कत होगी है, हम यहाँ अटल टनल से आगे आए हैं अपना रेस्ट करके आराम से, और अभी टाइम हो रहा है 3:15। यहाँ से हमें आगे नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं कि 2 बजे तक ही एंट्री अलाउड है, सुबह 7 से 2 बजे तक, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। सो इट्स मे बी अ मिस्टेक ऑन आर पार्ट कि हमने हमें वो नॉलेज नहीं थी, या फिर वो नॉलेज एक्सेसिबल भी नहीं है इजीली। आप पुलिस हो, यहाँ पे कुछ स्कैम चल रहा है तो आप... अब हमारे पास भी यहाँ 2 रास्ते हैं, या तो इन लोगों की तरह पुलिस के साथ बहस करें, या चुपचाप कोकसर की तरफ वापस लौट जाएं। And we chose to stay back in Kokser. चलो वापस। अब देखा जाए तो आज स्पीति ना पहुंचने की वजह से हमें दुखी तो होना चाहिए, लेकिन कोकसर पहुंचकर हमारे चेहरे कुछ इस तरह खिले होते हैं। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें स्पीति जाने नहीं दिया, हम वापस आ गए, हमारा एक दिन वेस्ट हो गया, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है मिल्की वे गैलेक्सी देखने की वो एक दिन वो और कम हो गई, फिर भी हम खुश क्यों हैं, हम मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो यार हम वापस जो कोकसर जगह विलेज है यहाँ पे, हम यहाँ पे आ गए थे, एंड इतना सुंदर गांव है ये, इतना सुंदर गांव है, सच ब्यूटीफुल व्यूज अराउंड, सो इट्स द मैजिक ऑफ नेचर, हमारी खुशी का राज। और अभी अभी हमारे होमस्टे वाले अंकल ने बताया कि यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, आप वहाँ पे जाओ, लोकल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, और बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है। वो बोला कितनी पुरानी उनको भी नहीं पता अब एक्चुअली में पुरानी है कि नहीं, जाके देखते हैं। ये रियल गुफा बनी हुई है, केव है, वाह। तो ये है हमारी फर्स्ट मोनेस्ट्री विजिट, जो कि बिल्कुल भी प्लान नहीं थी, हम बाय चांस इस गांव में रुके, एंड जिस होम स्टे में हम रुके हैं, बेटा आपको आवाज नहीं आ रही होगी, जिस होम स्टे में हम रुके हैं उनके ओनर ने हमें बताया कि यहाँ पे मोनेस्ट्री है एंड वी आर हियर। अब स्पीति में आगे जाएंगे, होपफुली जा पाए कल, तो वहाँ तो बहुत सारी मोनेस्ट्रीज है, आई एम वेरी एक्साइटेड मिल्की वे के साथ साथ मोनेस्ट्री विजिट्स करने को। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे। या आज जब सुबह उठे इतना प्यारा सनराइज हो रहा था, चारों ओर पहाड़ और स्नो पीक्स और उन पे सन रेज पड़ रही हैं, इट वॉज ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। ठंड अभी भी बहुत है कभी हम गर्मी को कंप्लेन कर रहे होते हैं, कभी ठंड को, नहीं ठंड को अभी तक कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट इट इज कोल्ड हेयर। या तो वी आर रेडी टू गो टूवर्ड्स स्पीति, अभी 7:45 हो रहे हैं और उन्होंने बोला था 7 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाती है, तो हो सकती है, एक्चुअली हो सकती है, सो डिपेंड्स अपॉन द वेदर एंड जो भी आगे की कंडीशंस हो। या वी आर होपिंग कि आज हम सही सलामत स्पीति पहुंच जाएं, और विल अपडेट यू ऑन द वे। यस लेट्स गो टू स्पीति। दिन की शुरुआत में मिली एक छोटी सी खुशी में हम ये भूल जाते हैं कि सफ़र तो बस अभी शुरू ही हुआ है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ साफ और स्मूथ दिखने वाले रोड्स ऐसे गायब हो जाते हैं मानो यहाँ कभी कोई रास्ता था ही नहीं। बहुत ज़्यादा रिस्की है यार ये, मेरे पैर पूरे कीचड़ से भरे हुए हैं,
पर ऐसे पूरा जोर लग रहा है चलाते हुए, पर मिल्की वे गैलेक्सी देखनी है तो ये करना पड़ेगा। दिस इज इंडिया गाइस, दिस इज इंडिया। इट इज ब्यूटीफुल बट इट्स टफ, इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स। अभी तक तो इन रास्तों पे हम ये सोचकर चल रहे होते हैं कि एज पर गूगल 2 घंटों में चंद्रताल तो आ ही गया, जहाँ से हम रात को मिल्की वे गैलेक्सी देख सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद रियलाइज होता है कि गूगल और चंद्रताल दोनों ही धोखेबाज हैं। हमें यहाँ से पता चला है कि चंद्रताल का रास्ता अभी ओपन ही नहीं हुआ, सो डोंट नो हमारा मिल्की वे देखने का वो ड्रीम पूरा होगा कि नहीं। हमारे मिल्की वे देखने के ऑप्शंस में चंद्रताल तो क्रॉस हुआ, अब राम राम करते इन रास्तों पे चलकर गाजा पहुंचने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अभी हम जिस जगह पहुंचे हैं उस जगह का नाम है पता नहीं। We literally don't know कि हम कहाँ पे हैं। रास्ता आगे आगे और भी खराब है, लेकिन सीनरी और भी बढ़िया होती जा रही है। इट फील्स लाइक हम पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है। हाँ। ना नेटवर्क है, ना कोई आसपास है, जस्ट राइडिंग अलोंग द नेचर, दैट्स इट। तो अभी हमें लगभग 6.5 घंटे हो गए हैं और रास्ता खत्म होने को नहीं आ रहा। इट वॉज जस्ट 139 किलोमीटर जो हमने आज कवर करना था। अरे 6.5 घंटे बैंड बजी पड़ी है, बाइक की तो मुझे पता नहीं लेकिन अपनी मशीनरी की पूरी बैंड बजी पड़ी है, स्पेशली ये हाथ, क्योंकि आप एक ही यू नो मोशन करते हो, सिर्फ यही करते हो, तो उसकी वजह से आपके हाथ प्रॉपरली वर्क नहीं करते आफ्टर दैट। अरे All the way we have been just thanking our God कि हम so far बहुत अच्छे से जा रहे हैं, safely जा रहे हैं। Danish has been driving safely, so that's good. But all we can say is we are very, very, very grateful. Very grateful. ये तो सिखा दिया आज के riding जो भी experience की। चलो hopefully आगे भी सही सलामत पहुंच जाएं। पहुंच जाएंगे। और फिर इसी कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए हम 139 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 11 घंटे में पूरा करके काजा पहुंच जाते हैं। ओके गाइस, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे एंड अ टायरिंग राइड हम फाइनली पहुंच चुके हैं काजा। आई थिंक हमें तकरीबन 11 घंटे लग गए। हो किसी की गाड़ी खराब होगी, वो पिकअप करके वो उसको टो करके लेके जा रहे हैं। दैट्स वेरी सैड बट ओके या हम क्या बात कर रहे थे, 11 घंटे लग गए हमें। हाँ ऑलमोस्ट 11 घंटे लग गए हैं एंड आई एम वेरी टायर्ड, और मेरा ये वाला हाथ जिससे एक्सेलरेट करते हैं वो काम करना बंद कर चुका है। और हमें वहाँ यहाँ पहुँच के जो चाहिए था वो था एक अच्छा सा होम स्टे, जहाँ पे एक वेरी ऑथेंटिक लोकल एक्सपीरियंस मिले, लोकल खाना खाने को मिले, और वो हमें मिल गया। वी आर स्टेइंग एट द डोलमा होम स्टे। हमें आते ही उनको बोला कि हमें बस जो आप अपने लिए खाना बनाओगे हमें वो चाहिए रात को, तो वी आर होपिंग वी आर गोना हैव अ गुड डिनर एंड अ गुड नाइट। मिल्की वे हम देख पाएंगे कि नहीं ये तो पता नहीं। हमारी जो फर्स्ट ऑप्शन थी चंद्रताल, वो तो भाई कैंसिल हो गई। सो अपडेट ये है कि कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं है अभी तो। सो वी विल अपडेट यू इन द मॉर्निंग। या लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। वैसे तो काजा काफ़ी सुंदर जगह है, लेकिन 2 दिन यहाँ वेट करने के बाद भी जब वेदर कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं होती तो हम निकल जाते हैं की मोनेस्ट्री की तरफ, जो कि स्पीति वैली की बिगेस्ट मोनेस्ट्री है, और हाइट पे होने की वजह से दिस कुड बी अ परफेक्ट प्लेस फॉर स्टारगेजिंग। लेकिन हमारी किस्मत यहाँ भी हमारा साथ नहीं देती। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी है और वो है लांगजा विलेज। ओके गाइस, सो हम की मोनेस्ट्री घूम के अब पहुंच चुके हैं लांगजा विलेज। की मोनेस्ट्री में हमने स्टे नहीं किया, वी डिसाइडेड टू मूव अहेड क्योंकि हमारे पास दिन कम है विद द न्यू मून फेज, तो हमें है जितना हो सके हम अपना मिल्की वे देखने का ट्राई करें, और लांगजा विलेज से वो अच्छे से स्टार गेजिंग हो सकती है, जिसके चांसेस एक्चुअली आज थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि क्लाउडी काफ़ी कम लग रहे हैं, पूरा क्लाउडी है। की मोनेस्ट्री भी क्लाउडी था इसलिए हम वहाँ से यहाँ आ गए कि लांगजा विलेज लिखा हुआ है गूगल में कि बेटर चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे तो मुझे लगता है की मोनेस्ट्री से भी कम चांसेस निकले। सो हमारे साथ क्या हो गया, वो क्या कहते हैं, प्रैंक हो गया। हाँ जैसे इवान बोलता होता है प्रैंक।
बट ऑन द ब्राइटर साइड वी आर वेरी सरप्राइज टू सी कि यार ये बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरियाज हैं, स्पेशली दिस लांगजा विलेज. यहाँ पे आई थिंक गिने चुने कितने घर होंगे, 10-15 घर होंगे, 20 होंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं. मैंने जो पढ़ा है और सुना है अराउंड 30 फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं शायद. और यहाँ पे मतलब नेटवर्क भी नहीं है, बट स्टिल यू गेट कोजी होम स्टेज, अच्छा लोकल खाने को और वार्म्थ फ्रॉम पीपल अराउंड हेयर. सो वो यू गेट ऑल द बेसिक नीड्स दैट यू वांट, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है. और जैसे जैसे हम वेदर फॉरकास्ट चेक कर रहे हैं, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी देखने के चांसेस कम ही हो रहे हैं, आगे भी क्लाउडी ही है. सो ना तो अभी तक हमें वाई इंडिया सीरीज की सेकेंड स्टोरी मिली है और ना ही मिल्की वे देखने का कोई चांस. सो लांगजा विलेज हमारा लास्ट होप था कि हम शायद देख सके यहाँ से मिल्की वे, बट ये होप भी डूबती हुई नजर आ रही है. बट होप खत्म नहीं हुई क्योंकि रात अभी बाकी है मेरे दोस्त. और पता नहीं इस लड़की की जुबान में क्या ही जादू है जो कुछ ही घंटों में यहाँ का वेदर तक बदल कर रख देती है. तो यार अभी यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया. अभी हम बाहर गए थे तो क्लाउड्स वगैरह सारा कुछ उड़ गया, क्लियर स्काई है और स्टार ही स्टार्स है. तो बहुत ठंड बहुत ज्यादा है तो इसलिए काम पर हूँ अभी मैं. बट देर इज अ चांस कि हमें आज मिल्की वे गैलेक्सी दिख जाए. सो अभी थोड़ी देर में हम बाहर जाएंगे एंड आई लेट यू नो. ओके सो अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं, 12:03 दिख रहे हैं पता नहीं. बट बाहर कुछ तो हो रहा है, कुछ तो दिख रहा है. नव अभी गए थे बाहर, अभी ऐसे थोड़ी ना दिखा देंगे इनको क्या रहा है. सो अभी नव गए थे बाहर एंड शी सॉ समथिंग एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी दैट. लेट्स गो. और अपने होम स्टे की छत पे पहुंच के हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देख के हम पागल ही हो जाते हैं. वी सॉ इट फाइनली. यार पूरा हो गया सपना. सीरियसली मैं छोटा था, बचपन से देखना चाहता था ये, एंड दिस इज हैपनिंग. और इतने ज्यादा स्टार्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इतने लाइक ब्राइट मैंने कभी लाइफ में आज तक ऐसा नहीं देखा. एंड वी आर एबल टू सी मिल्की वे विद नेकेड आईज अपनी आंखों से. आई नो हमारी तरह आप भी एक्साइटेड हो मिल्की वे देखने के लिए. सो हियर आर सम ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी विटनेस्ड. How are you feeling? This is amazing. I have no words. यार हमने कितनी देर, चलो फोटोज वगैरह खींची यूट्यूब के लिए करना पड़ता है, उसके बाद हम चुपचाप बस गैलेक्सी को देख ही जा रहे हैं और मन ही नहीं भर रहा. हम 12 बजे ऊपर आए थे ऑलमोस्ट और 2:30 बज गए आई थिंक. अब हाँ 2:30 बज गए हैं. इनफैक्ट हम थोड़ी देर के लिए रूम में भी गए, हमारे रूम की विंडो से भी बहुत अच्छा स्टार गेजिंग हो रहा है, गैलेक्सी व्यू दिख रहा है और हम फिर ऊपर आ गए. जब कभी कोई सपना पूरा हो जाए तो नींद और भूख सब उठ जाते हैं. So it was amazing night. We got what we wanted. इसी टेरेस पे हमने पूरा अच्छे से स्टारगेजिंग किया था. Yeah, it was such a beautiful Milky Way galaxy. यार, मैं I can't get over it. और सिर्फ मिल्की वे ही नहीं, सुबह जब हम ये गांव घूमने निकलते हैं तो हमें अपनी वाई इंडिया सीरीज का दूसरा रीजन भी मिल जाता है. भेड़ बकरियां भी ऐसे ड्यूटी लगती है गांव में कि आज एक दिन एक घर जाएंगे ना जी. अच्छा. अब जैसे आज एक मेहरबारी है. अच्छा. कल इनका ऐसे ऐसे बारी बारी आप तो गए नहीं. अब जब जैसे मेहरबारी आएगी बाद आएगी ना. 26 घर है ना. अच्छा भी 28 तक है ना. अच्छा 28 को गांव में हर किसी का एक दूसरे का पता होगा किस घर में कौन है कितनी. अच्छा पूरे इन गांव वालों के साथ बातें करके समझ आता है कि ये है रियल ब्यूटी ऑफ इंडिया, वेयर पीपल कम फॉरवर्ड टू हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, सेलिब्रेशन और एवरीडे लाइफ. यहाँ पे गांव वालों के पास भेड़ बकरियाँ हैं और वो चराने बहुत दूर जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, एवरी डे किसी दो बंदों की ड्यूटी होती है, वो पूरे गांव की भेड़ बकरियाँ लेके जाते हैं चराने के लिए. और ये रोटेशन में होता है, हर दिन किसी नए घर से दो लोग जाएंगे. या आई थिंक वी गॉट व्हाट वी वांटेड. वी गॉट द स्टोरी फॉर आवर एपिसोड 2, यूनिटी और प्यार से रहना.
ये हमें इंडिया से सीखने को मिलता है। अब हम यहाँ से जाते हैं आगे, अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं अगली स्टोरी में, थर्ड रीजन में। टिल देन यू टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। लाइक वी सेड, हमें आपकी कमेंट्स की बहुत 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 तलब रहती है। सो वो करके जाया करो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। एनर्जी के साथ टाटा, गुड बाय, जय हिंद। बाय बाय।